टू नेगेटिव सेंटेंस में हम देखेंगे कि उनकी वर्ड्स क्या होते हैं, सेंटेंस में उनकी नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या होते हैं। तो हम पहला है विथ में, जिसका मतलब होता है हो सकता है, एंड माइट नहीं हो सकता है। कभी कभी माइट्स का मे का यूज़ जहाँ पे पॉसिबिलिटीज संभावना को रिप्रेजेंट करता है। माइट जो होता है ऑब्लिगेशंस या बाध्यता आप कह सकते हैं, तो उसमें होता है जो मे का मीनिंग्स होती है वो होती है इट इज़ नॉट पॉसिबल। दैट जहाँ पे पॉसिबिलिटीज नहीं होती है दैट इज़ अ नेगेटिव मीनिंग्स ऑफ मे। ओके सो एंड कैन का मतलब होता है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट्स। सो हम सेंटेंस के द्वारा अंडरस्टैंड करते हैं कि मीनिंग्स में वैल्यूज क्या होंगी, मतलब मीनिंग्स के द्वारा उसका मीनिंग्स क्या निकलती सेंटेंस की। जैसे सी मे बी एट होम्स, कह रहा है कि घर पे हो सकते हैं, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी, संभावना है घर पे हो सकते हैं, नहीं भी हो सकती हैं। एंड इट फर्स्ट सेंटेंस जो कह रहा है जैसे कि मे बी एट होम्स, मे बी सी मे बी एट होम्स, उसमें परहैप्स सी इज एट होम्स, वह घर पे हो सकती, इसका मतलब ये कहना है कि वो घर पे पहले से है। देर इज अ संभावना पॉसिबिलिटीज। सी मे नॉट बी एट होम्स, वह घर पे नहीं हो सकती, इसका मतलब वह घर पे नहीं है। परहैप्स सी इज नॉट एट होम, सो इसका मतलब है कि वेयर देर इज यूज ऑफ सी मे नॉट बी एट होम्स, परहैप्स सी इज नॉट एट होम, दैट इज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। परहैप्स सी इज नॉट एट होम्स, दैट इज ट्रू। सी कैन नॉट बी एट होम्स, देर इज कंडीशन विद दिस कैंट एंड कैंट, सी सेटर्नी, वेन देर इज यूज ऑफ कैन इट मीन्स देर इज सेटर्निटी, वेन देर इज यूज ऑफ मे देर इज ए पॉसिबिलिटी। दो चीज़ें हैं जो हम इन सेंटेंसों के एप्लीकेशन से देख सकते हैं। इससे बोलते हैं परहैप्स यू विल विन, देर इज चांस, मे कैन बी यूज बिकॉज परहैप्स इज देयर्स बट देर इज नॉट श्योरिटी एंड सर्टेनिटी, यू माइट बीन देर इज ऑब्लिगेशंस, परहैप्स यू वॉन्ट बीन, यू माइट बीन बट देर मे बी पॉसिबिलिटी, संभावनाएं हो सकती है, यू माइट नॉट बीन, यू माइट नॉट बीन एंड यू कैन बीन।